हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है मनी ट्री चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं तीन स्टॉक के बारे में। तीनों ही स्टॉक का रिव्यू देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग निफ्टी के बारे में बात करेंगे कि फिलहाल निफ्टी का ट्रेंड क्या लग रहा है। सो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करते हैं, चार्ट्स पर बात करेंगे केवल, किसी भी तरह से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर आज हम बात करने नहीं जा रहे हैं। सो निफ्टी आज 6 पॉइंट नीचे डाउन हुआ है, 10,380। तो आई थिंक क्या लग रहा है सर? देखिए, जो ट्रेंड है डेली चार्ट पे वो हायर हाई हायर लो का ट्रेंड है। तो प्रोबेबली चांसेस हैं कि कल मार्केट में निफ्टी के अंदर तेजी आ सकती है, बट जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो तकरीबन 10,481 के आसपास रहेगा। वंस एक बार 10,480 के ऊपर की क्लोजिंग आती है, देन डेफिनेटली कम से कम हमें 10,550 से लेके 10,580 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है फिलहाल। तो अगर हम डेली चार्ट पे बात करते हैं, वीकली चार्ट पे एक बार निफ्टी ने 10,480 का लेवल क्रॉस कर दिया, तो फिर मुझे लगता है कि 10,700 के लेवल भी पॉसिबल है निफ्टी के अंदर। बट इसको आप एज ए बुलिश पैटर्न नहीं मान सकते। हाँ, तेजी का फ़ायदा उठाइए, प्रॉफिट टेकिंग कीजिए एंड फिर लोअर लेवल्स पे वेट कीजिएगा। कोशिश कीजिए जो भी आपकी पोजीशन शॉर्ट टर्म की है वो प्रॉफिट लेके बाहर आते रहिए, बिकॉज मार्केट में अगले कुछ महीने तक जिगजैग चलता रहेगा। कभी अप्स कभी डाउन, इस तरह के मार्केट में सिचुएशन चलेंगे। त्योहारी सीजन है फिलहाल, तो जो कंपनीज इस वक्त त्योहारी सीजन में जिनकी सेल्स ज़्यादा रहती है, लाइक ऑटो सेक्टर हो गया आपका, ज्वेलरी सेक्टर हो गया आपका, ठीक है, जिनका अपैरल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं ऑनलाइन, तो ऐसी कंपनीज में आप लोग निवेश कीजिए। FMCG स्पेशली काफ़ी बिक्री इस वक्त होती है, तो आप इन कंपनीज के अंदर निवेश कर सकते हैं, आपको छोटी अवधि में प्रॉफिट मिल सकता है इन कंपनीज के अंदर। ओके, तो फिलहाल ओवरऑल मुझे निफ्टी का चार्ट अभी तो फिलहाल ठीक लग रहा है। मुझे तेजी की उम्मीद नज़र आती है, बट डाउन साइड में स्टिल हम लोग इंटैक्ट है कि 9950 यानी 9950 का लेवल इज द मेजर सपोर्ट इन द निफ्टी लेवल। और मुझे लगता है कि फिलहाल अभी निफ्टी इस मूड में नहीं है कि वो 10,000 के लेवल को ब्रेक करे, ठीक है। सो लेट्स सी, आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, छोटे छोटे निवेश करते रहिए। जो भी काउंटर आपको गिरावट के दौर में मिल रहा है, अच्छे काउंटर्स, आप उसमें निवेश करिए। लाइक एक्साइड इंडस्ट्रीज हो गया आपका, एस्कॉट्स हो गया, आपको 50% डिस्काउंट पर ऑलमोस्ट मिल रहा है आपको इस वक्त। आज काफ़ी अच्छा रनअप दिखाया एस्कॉट्स ने। उसके अलावा टाटा स्टील आपको बहुत अच्छी लेवल्स पर मिल रहा है। सो बहुत सारे काउंटर्स हैं जो कि आपको काफ़ी गिरावट के लेवल्स पर इस वक्त अवेलेबल है, आपको उनके अंदर पोजीशन को छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के साथ बनाना चाहिए। आज हम लोग मेघमानी एरोनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्रकाश इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बंसाली इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें से कि प्रकाश इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी बेटर नंबर पोस्ट किए, बट आफ्टर पोस्टिंग अ वेरी वेरी गुड नंबर्स, कंपनी इज नॉट इन द मूड ऑफ द अपसाइड। ये कंपनी में अभी ये डिसाइडेड नहीं हो रहा है कि डायरेक्शन क्या होने वाला। तो सबसे पहले हम लोग बेटर रिजल्ट पेश किए चूँकि प्रकाश इंडस्ट्रीज़ ने, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि टेक्निकली प्रकाश इंडस्ट्री फिलहाल क्या चाह रहा है। सो ओवरऑल दोस्तों देखिए, प्रकाश इंडस्ट्रीज ने 104, और जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा अगर आप लोग मानेंगे तो 102 का वीकली सपोर्ट आप लोग मान के चल सकते हैं उसको। प्रकाश इंडस्ट्री बहुत ही स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे यहाँ पर 2-4-5 रुपये का अगर आप ले सकते हैं, तो इस करंट लेवल पर भी आप प्रकाश इंडस्ट्री को बाई कर सकते हैं। अपना जो एग्जिट स्टॉप लॉस रखेंगे आप 100 रुपीज रखेंगे ऑन द वीकली क्लोजिंग। अगर आपको वीकली क्लोजिंग पर प्रकाश इंडस्ट्री 100 रुपये के नीचे की क्लोजिंग दे देता है, देन आप एग्जिट कर देंगे। अदरवाइज आप जो पहला टारगेट रहेगा प्रकाश इंडस्ट्रीज़ का 120, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा लगभग 145 से 147 के रेंज का नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है। सो फिलहाल यहाँ पे, यहाँ से जो पहला रेजिस्टेंस मैं मान के चलता हूँ छोटा था, वो तकरीबन 120 का रेजिस्टेंस मानता हूँ। एक बार 120 के ऊपर की क्लोजिंग आती है, डेफिनेटली हम लोग मानेंगे लगभग 140-142 की रेंज का प्रकाश इंडस्ट्री बढ़ जाएगा एक बार 120 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है। तो यहाँ से आपका जो डाउन साइड है वो कितना है, मैक्सिमम 6 रुपीज का, यानी कि आप अगर करंट प्राइस 106.6 पर खरीदते हैं और आप 100 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं एग्जिट स्टॉप लॉस, तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता तो आपको 6.60 रुपये का नुकसान होना है केवल। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, जो कि मुझे पॉसिबली लग रहा है कि ऐसा रेयर केसेस में ही होगा, बहुत ही ज़्यादा जब खराब सिचुएशन होगी, अदरवाइज प्रकाश इंडस्ट्रीज एनी केस 100 रुपये का स्तर नहीं तोड़ेगा। तो आपको मैक्सिमम रिस्क हो रहा है 6.60 रुपये का। रिवॉर्ड कितने मिल रहे हैं, फर्स्ट टारगेट 120 यानी यहाँ से 14 रुपये ऊपर, उसके बाद सेकेंड टारगेट 142
यानी कि जो करंट प्राइस है वहां से लगभग 36 रुपीज ऊपर, और एक बार 142 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो लगभग 165 का लेवल मिलेगा। बट दीज लेवल आर नॉट एज वन डे लेवल्स, इनके लिए आपको पोजिशनल ट्रेड लेनी पड़ेगी। हो सकता है ये लेवल्स आपको 3 महीने में मिल जाए अगर मार्केट में एक तेजी आती है बड़ी, हो सकता है आपको 6 महीने भी लग जाए, बट ओवरऑल काउंटर इज वेरी गुड, फंडामेंटल्स ऑफ द प्रकाश इंडस्ट्रीज इज लुकिंग वेरी साउंड एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, सो एवरीवन शुड बाय एट द लोअर लेवल। आपको लोअर लेवल पर बाय करना है, एट प्रेजेंट अगर आप बाय करते तो आपको केवल 6 रुपए का लॉस है, और वहां से अगर नीचे जाता है यानी 100 रुपए से नीचे की क्लोथिंग आती है वीकली चार्ट पे, देन आप टोटली एग्जिट कर दीजिए, 6 रुपए का लॉस बुक कर लीजिए। बट जब तक 100 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है वीकली चार्ट पे, डेफिनेटली आपको लॉन्ग पोजिशन बनानी चाहिए। काउंटर आने वाले 12 से 18 महीने में वापस अपना पीक दिखाएगा, 200+230 का लेवल जो भी है, ओके वीकली कैंडल में। तो ये प्रकाश इंडस्ट्रीज के बारे में हमने बात की। इसके अलावा भंसाली इंजीनियरिंग ने भी नंबर्स तो पोस्ट किए थे, उसमें जो सेल्स थी इनका सेल्स इंक्रीज हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि जो सभी को पता है जो क्रूड के प्राइस बढ़े हैं, रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ है, उस चक्कर में चूंकि क्रूड इनका मेन रॉ मटेरियल है, भंसाली इंजीनियरिंग का पेट्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी है, सो इस वजह से इनका जो इनपुट कॉस्ट था वो इंक्रीज हो गया था। इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से सेल तो इनका बढ़ा, बट चूंकि इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो गया था सो जो आउटपुट में जो प्रॉफिट मार्जिन आया वो गिर गया पिछली बार के मुकाबले, यानी कि लास्ट ईयर के मुकाबले लगभग 10 करोड़ का नुकसान, लास्ट सितंबर के मुकाबले करंट सितंबर, सितंबर 18 में लगभग 10 करोड़ का नुकसान कंपनी ने डिक्लेयर किया। सो इस वजह से भंसाली इंजीनियरिंग में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। बट यहाँ से मुझे लगता है कि अगर कोई पोजीशन बना रहा है तो आप एक बात को अच्छी तरह से गांठ बांध दीजिए, समझ लीजिए कि यहाँ से चूंकि 90 रुपीस का जो सपोर्ट था वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है वीकली चार्ट पे, और जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है इसका वो है तकरीबन 78 रुपीस से 80 रुपीस के बीच में। तो आप लोगों का जो एग्जिट स्टॉप लॉस बना के चल रहा है भंसाली इंजीनियरिंग में, अगर किसी की पोजीशन है तो वो आप 78 रुपीस का वीकली कैंडल पर एग्जिट स्टॉप लॉस बना के चलेंगे। मुझे लगता है यहाँ से एक रिवर्सल आना चाहिए स्टॉक के अंदर, एक मोमेंटम बनेगा। आज कुछ कोशिश की, एक लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई मार्केट में, लगभग 9% के आसपास एक टाइम नीचे था 8%, बट ओवरऑल एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग दी है काउंटर ने। तो मुझे लगता है कि भंसाली इंजीनियरिंग में आपको 78 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। जो फ्रेश बाइंग कर रहे हैं उनके लिए भी कहूँगा कि अगर आप 79-78 का स्टॉप लॉस बना कर चलते हैं कि ब्लो 78 अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो डेफिनेटली आप सेल करेंगे, अदरवाइज आप होल्ड करेंगे। जो इसका जो पहला टारगेट रहेगा मुझे लगता है इनिशियली छोटे छोटे तो बहुत सारे टारगेट्स हैं 90 रुपीज, एंड एक बार 90 के ऊपर की क्लोथिंग आती है तो डेफिनेटली लगभग 100 रुपये के लेवल के आसपास जाएगा, क्योंकि ये वहाँ पर गैप को कवर करेगा, एंड उसके बाद लगभग 115 से 116 का लेवल। बट इसमें आपको लगभग 3 से 6 महीने का टाइम लग सकता है। फिलहाल स्टॉक में काउंटर में वीकनेस है, हालांकि क्रूड के दाम अब धीरे धीरे घटने शुरू हुए, बट कितने दिन घटते हैं, अगर बीच में दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए सो डेफिनेटली अगेन प्रेशर रहेगा काउंटर के ऊपर। तो आप कम से कम इस क्वार्टर को आपको और वेट करना चाहिए, दिसंबर रिजल्ट्स जब तक नहीं आते काउंटर में, आफ्टर दिसंबर रिजल्ट्स अगर बेटर प्रॉफिट परफॉर्मेंस आई देन डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज ये और फिर आपको टाइम लेगा, और FY19 में जब मार्च के नंबर्स आएंगे तब तक आपको इस काउंटर को होल्ड करना पड़ेगा। बट जो आपका एग्जिट स्टॉप लॉस होगा वो 78 रुपीज होगा, बिकॉज अगर 78 रुपीज हिट होता है, ब्रेक होता है नीचे की तरफ, तो डेफिनेटली काउंटर आपको लगभग 50 से 60 रुपए के बीच में मिल सकता है। सो ये भंसाली इंजीनियरिंग के बारे में मेरी राय थी। इसके बाद आते हैं हम लोग मेघवानी ऑर्गेनिक्स। दोस्तों फ्लैट टू नेगेटिव नंबर्स पोस्ट किए हैं मेघवानी ऑर्गेनिक्स ने, बहुत दिनों से काउंटर सस्टेन कर रहा था, लगभग 75-74 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, आप देख रहे होंगे 69 तक गया था और 69 को भी होल्ड करने की उसने काफ़ी कोशिश की, इस उम्मीद में कि अगर नंबर्स अच्छे आते हैं, बम्पर नंबर आते हैं, अच्छा प्रॉफिट कंपनी डिक्लेयर करती है तो डेफिनेटली स्टॉक में एक बड़ा मूवमेंट आता अपसाइड डायरेक्शन में। बट अनफॉर्चुनेटली कंपनी ने फ्लैट टू नेगेटिव, हालांकि बहुत ज़्यादा खराब नंबर्स नहीं है, फ्लैट नंबर्स हम उनको कहेंगे, पिछली बार के ही जितना लेवल्स थे प्रॉफिट्स के केवल उतने ही प्रॉफिट्स इस बार भी हुए, सो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है। तो यहाँ से फिर जो ट्रेडर्स हैं, जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वगैरह हैं, उनमें एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है और उन्होंने अपनी पोजीशंस को कट किया है, और यही कारण है आज काउंटर ने लगभग 14% की गिरावट के साथ 61.55 पे क्लोजिंग दी है। और मुझे लगता है काउंटर लगभग आपको 55 रुपये तक का लेवल आने वाले समय में दिखा सकता है। तो फिलहाल अगर कोई भी व्यक्ति फ्रेश बाइंग की पोजीशन में बैठा है तो मुझे लगता है कि आपको 50 से 55 रुपये का वेट करना चाहिए। अगर काउंटर 55 रुपीज़ भी आता है, जो कि ये लेवल है आपका,
देन आप यहाँ पर 56 पे मैंने सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है, और आप देखेंगे जो कैंडल है इसको आप देखिए कितने बिग वॉल्यूम के साथ इस कैंडल का क्रिएशन हुआ है। पीछे आप देखेंगे लगातार लोअर वैल्यू वॉल्यूम था, काउंटर होल्ड कर रहा था 69 के लेवल को, बट आज एक बड़े लेवल के साथ 69 का जो बड़ा सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया है। लगभग 1,14,00,000 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग खरीद फरोख्त हुई है, और एक बड़े वॉल्यूम के साथ जब शेयर में गिरावट आती है तो वो नेक्स्ट सपोर्ट को ही ढूंढता है कहाँ पर है। तो नेक्स्ट सपोर्ट विल बी द 55 to 56 रुपीज इन द मेघमानी ऑर्गेनिक्स। सो गाइज ये लेवल थे, तो मुझे लगता है कि 50 से 55 रुपए का लेवल बेस्ट बाइंग जोन होगा मेघमानी ऑर्गेनिक्स के लिए, जिन लोगों को एवरेजिंग करनी है या जिन लोगों को फ्रेश पोजिशन बनानी है। ओवरऑल काउंटर्स में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मार्केट के सेंटीमेंट में, प्रॉब्लम है रुपी की डेप्रिसिएशन की वजह से। जो इंपोर्ट कॉस्ट हो रही है, इनपुट कॉस्ट हो रही है, वो इनपुट कॉस्ट चूंकि कंपनीज की इंक्रीज हो रही है, और जब कंपनीज की इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं उनके प्रॉफिट मार्जिन घटने शुरू हो जाते हैं, और यहीं पर एक वीकनेस का बड़ा नजरिया या बड़ा पैटर्न हमें देखने को मिलता है, और यही हमें भंसाली इंजीनियरिंग, प्रकाश इंडस्ट्री और मेघमानी ऑर्गेनिक्स में देखने को मिल रहा है दोस्तों। खैर फिलहाल काउंटर्स तो दो सभी बढ़िया है, बट शॉर्ट टर्म की जिन लोगों की पोजीशंस है उनको पैनिक हो सकता है, लॉन्ग टर्म का जिनका नजरिया है वो मुझे लगता है कि जो मैंने स्टॉप लॉसेज या एग्जिट स्टॉप लॉसेज आपके साथ शेयर किए हैं उनके साथ आप बने रहिएगा, कोशिश कीजिएगा कुछ और फाइंड आउट करने की, कुछ और यू नो कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की, और आप अपडेट रहिए अपनी कंपनीज के बारे में। जैसे ही कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो इस वक्त अगर एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ भी आती है तो वो एक बड़े बॉम्ब की तरह काम करेगी, और मार्केट में प्राइस में एक बड़ा कोलैप्स भी आ सकता है। सो गाइस बी अलर्ट, मार्केट में किस वक्त क्या खबर आ रही है, किस स्टॉक के बारे में खबर आ रही है, आपको खुद अलर्ट रहना पड़ेगा। अपने स्टॉक्स के बारे में आपको हर समय हर पल जानकारी रखनी पड़ेगी कि काउंटर्स में कंपनीज में एक्चुअल में हो क्या रहा है। खैर आज के वीडियो में इतना ही हमारा रिव्यू, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, आप लोग स्टॉप लॉसेस जो एग्जिट स्टॉप लॉसेस हैं या जो टारगेट्स हैं उनको कहीं नोट डाउन करके रखेंगे, सो दैट कि आपको पता चल जाए एट द टाइम ऑफ जब प्राइस अप्स एंड डाउन जाता है इमीडिएटली कि क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या हमारा टारगेट अचीव हो गया, तो हमको निकलना चाहिए। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कोशिश करेंगे इन सारी चीज़ों को सीखने की समझने की, और प्रयास से ही सब कुछ संभव है दोस्तों। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करूंगा कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार दोस्तों।